नमस्कार। धन्यवाद आप सभी भाई मित्र साथी के जे रउरा सब है इतना सपोर्ट प्यार दुलार हमेशा बना के रखा तनी। और वही सपोर्ट प्यार बदौलत के दिन बा कि दिन रात कुछ नया करे के कुछ अच्छा करे के प्रयास कर जाता। चलिए 11:17 होता थोड़ा हम लेट आइल बनी लेकिन सबके गुड मॉर्निंग भी 12 के पहले तक गुड मॉर्निंग चलेला। धन्यवाद विजय सिंह भाई, सुनील यादव जी, सॉफ्टी भरत पांडे यादव, राहुल कुमार, नंदकिशोर शाह, राहुल पंडित, इस्माइल अली, राकेश्वर कुमार, राकेश कुमार यादव, सुजीत कुमार, मिथिलेश कुमार जी, राधेश्याम यादव, आशीष मिश्रा जी, फिरोज अली, थैंक यू ब्रो, धनंजय निराला जी शुक्रिया, आंसु बाबा प्रणाम, रणबीर यादव, सरोज मिश्रा जी, कुणाल मिश्रा पुष्कर, चितेश्वर मिश्रा भाई, कैसे हैं चितेश्वर भाई आप? बहुत पुराने मित्र हैं आप हमारे सोशल मीडिया के। यदुवंशी रविकांत, आकिब खान, वाह, दिलशाद आलम भाई, संजय उपाध्याय, नमस्कार मित्र, धर्मराज प्रजापति, जय श्री राम ब्रदर, विनय मिश्रा जी, अहिरान कल यदुवंशी, जय हो भाई की, समस्त भाई की जय हो और सदा जय हो। प्रदीप शुक्ला जी, वाह अंकुर गोस्वामी जी, आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अच्छा गीत लिखते रहिए। उपेंद्र सिंह जी गुड मॉर्निंग, सचिन राज थैंक यू ब्रदर, आप सबके बेस्ट हीरो बेस्ट गायक हम हो सकते हैं लेकिन आप सभी लोग हमारे बेस्ट हैं क्योंकि हमें आप ही लोग तो ऊर्जा देते हैं। हिम्मत और ऊर्जा ये दोनों चीज आप लोगों से मिलता है। जहां एक तरफ छोटी बड़ी परेशानी आती है वहां आप लोगों का इतना स्नेह प्यार और दुलार मिलता है कि जिसके हम कायल हैं। आज स्पेशली रूप से और तहे दिल से उनको बहुत धन्यवाद करने को दिल कर रहा है जो सभी लोग मिलके जिस तरह से मेरे लिए ढाल बन के खड़े रहते हैं और जिस तरह से मेरे लिए दिन रात एक परिवार की तरह सपोर्ट करते हैं। उन सभी मित्रों भाइयों को, उन सभी अपने यूपी बिहार समस्त सभी देश में रहने वाले सभी उन भाइयों को मैं शायद यहीं से फेसबुक के ही माध्यम से बोल सकता हूं क्योंकि जो जहां है वहां से जितना सपोर्ट प्यार दुलार देता है ये अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं हम।
आज हम आप लोग का मैसेज ही पढ़ रहे हैं। देवव्रत पांडे, शुक्रिया भाई, आप भी बहुत प्यारे हैं। दीपक यादव भाई, ये आपका स्नेह प्यार है और इस प्यार के लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ। आशीष यादव जी, प्रिंस पीटर, प्रणाम। अफजल अंसारी, रोहित जुली, गुड मॉर्निंग। हरीश पांडे जी, अंकुर गोस्वामी, आपको जरूर मौका मिलेगा भाई, आप अच्छा लिखिए। मौका मांगे के पड़ला, अपने आप माई दे दे बोली तो। विनोद मिश्रा भाई, लव यू टू ब्रदर। अतुल मिश्रा जी, अरे हम कहर नहीं ढा रहे हैं मालिक, हम जैसे हैं नॉर्मल हैं बस, आप लोग का आशीर्वाद प्यार है। पंटी उपाध्याय, क्या हाल है फौजी, खूब खुश रहो सदा, एकदम आगे बढ़ते रहो, जान हो आप हमारे। बंटी बाबा मणनपुर, नवनीत सिंह जी, मिथिला बिहारी चौरसिया, और मैं बहुत बढ़िया हूँ अतुल भाई। और बस आज लाइव आने का एक छोटा सा रीजन यही है कि मैं अब किसी से और किसी के किसी बात का कुछ विशेष बोलने का कोई मतलब नहीं है और मैं इच्छा भी नहीं रखता हूँ। बस शायद मैं पहले लाइव आया था तो एक मेरा वेब कंपनी से सावन गीत आया था, आया है 3-4 दिन पहले, तो शुक्रवार बड़ी धनिया, तो मैंने उस गीत को बस बोल दिया कि आप लोग अच्छे गीत अजय गीत बोलते हैं, जब अच्छा गीत आता है तो उसको सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो इस बात को लेकर बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज हुई, तो ठीक है, सबको अपना बात कहना है, बात रखना है, और बात किसी को कोई मनाही तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कलाकार हैं, हम लोग भी, हम लोग का भी अपना परिवार है, अपना जीवन है, मेहनत करते हैं, कोई चीज़ अच्छा करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, तो कुछ जब बेहतर होता है तो अगर ये बोल देना कि नहीं, क्योंकि सपोर्ट तो आप ही सबका मिलता है, हम ये कैसे बोल दे कि हम लोग आप सबके बिना सपोर्ट के चल रहे हैं, बिना भगवान के, बिना श्रोता के सपोर्ट के कलाकार कभी चलेगा? नेता अभिनेता बिना जनता के सपोर्ट के नहीं चलता है। तो आप लोग हृदय हैं, आप लोग जान हैं हमारे। नैना जी शुक्रिया, जरूर करेंगे। तो विषय यही था, इस पे बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी चीजें हम देखते सुनते रहते हैं। अभी जैसे मैंने एक चीज देखा कि एक तुगोला का कोई यूट्यूब देख रहा था जिसपे कि बड़े ही सीनियर कलाकार हैं हम लोग के, कमलवास कुंवर जी, तो वो एक तरफ बोल रहे थे कि फलाने कलाकार ने 20 लाख 30 लाख दान दिया और पवन सिंह जी ने क्या किया। अब बताइए, पवन सिंह जी उनको हिसाब देंगे कि वो कहाँ क्या दान दिए और क्या नहीं दिए? नहीं ना देंगे। कलाकार का सबसे बड़ा समस्या यही है कि अब कलाकार घर घर हिसाब नहीं ना देगा। मैंने वो इंटरव्यू सुना तो मैं पर्सनली सोचा कि मतलब एक तरफ आप किसी के बारे में बोलते हैं कि फलाने जी ने इतना दान दिया तो उतना दान का आपको हिसाब दिए, आप हिसाब दिखाते हैं लोगों को और आपको पवन जी का हिसाब किताब नहीं दिखता है, मतलब पवन जी आपको हिसाब देंगे? वो तो वैसे हैं कलाकार की, ठीक है, चुप रहते हैं, जिसको जहां जो बोलना है बोले, ऐसा नहीं ना होता है।
तो हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, चलिए वो बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद प्यार बना रहता है। सभी लोग मानते हैं कि भाई आज इंडस्ट्री में हर लेवल के गीत संगीत को टच किए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पवन भैया किए हैं, उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। लेकिन किसी भी कलाकार को कहीं भी कुछ भी जो इच्छा आए जो दिल में आए, तो ये जो टारगेटिंग पॉइंट है ना, ये सब चीज़ों से अब दिल एकदम टूट गया है। टारगेटिंग पॉइंट अब ठीक नहीं लगता है, काम अच्छा लगता है। आप गीत संगीत के ऊपर बात कीजिए, पवन सिंह ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो क्यों नहीं किए, वो क्यों कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। सेफिक सेहरा, मालदीव में आप रहिए, आपको बहुत बहुत बधाई। हम भारत में अति खुश हैं, अति प्रसन्न हैं। मेरा भारत महान। तो मैं वो सब चीजें सुना देखा, तो मैं विशेष यही बोलना चाहता हूं कि किसी भी आजकल जो एक चीज है ना, वो आप लोग भी अच्छे से जान रहे हैं और समझ रहे हैं। अब लोग बोलता है कि जनता जनता बहुत समझदार है, जनता सब जानती है। आजकल जो ये सिस्टम चला है ना कि कुछ भी बोल के झूठ साँच कह के, पवन जी ने वो किया, राकेश जी ने वो किया, फलाने जी ने वो किया, चिल्लाने कलाकार ने वो किया, तो खैर मैं धन्यवाद दूंगा उनको, पवन भैया को, क्योंकि मैं वीडियो देखा, वो वीडियो शायद वो भी देखे होंगे। और जिस तरह से एक वरिष्ठ कलाकार होके कमलबास जी ने बोला और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी गीत संगीत के प्रति कलाकार कहता है कि इसको अच्छे से सुना जाए और देखा जाए, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और बिना आप लोगों के सहयोग के ये सब होता नहीं है। तो मैं तो बस, मेरा आज एक छोटा सा यही विनती है और निवेदन है कि आप लोग जो भी है आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखिए। और मुझे वो गाना काफी पसंद है जो अभी वेब म्यूजिक से आया है, कांवर सावन का गाना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर नहीं सुने होंगे, जब सुनेंगे तो वो गाना आपको ही पसंद आएगा, सुखवार बड़ी धनिया। और उस गीत को ज्यादा से ज्यादा सुनिए, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। और जिनको जो बोलना है, जो पीठ पीछे अपना बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, अब वहीं जाने, अब अपने विषय की ये चीज है नहीं। तो बस मेरा है कि अब धीरे धीरे कांवर आ रहा है और उसका आनंद लीजिए। और एक लाइन मेरे तरफ से, अगर आप लोग नहीं सुने होंगे तो जरूर सुनिएगा कि जसही राउर गौरा सुकावार बाड़ी, ओ सही धनिया मोर सुकावार। कि जसही राउर गौरा सुकावार बाड़ी, ओ सही धनिया मोर सुकावार। इस सावन के गीत आई बा वेब से, और वह समय सुनी, आशीर्वाद दी, प्यार दी, दुलार दी। और छोटा सा निवेदन कि समस्त चाहे वाला हमके प्यार दुलार करे वाला, और थोड़ा बहुत जे नाराज हुई ओकरा से भी कहब कि प्यार दुलार अपन बना के राखी और खूब प्यार दुलार दीही। और रउआ सभी के सपोर्ट ही हमार ताकत बा, रउआ सभी के प्यार आशीर्वाद ही हमार ताकत बा, ये चीज के रउआ सभी बनौले राखी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.